मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी गेटेड कॉम्प्लेक्स हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास साथ ही रिच लैंडस्केपिंग स्पेस मून सिटी लाए हैं आकर्षक और आरामदायक लाइफस्टाइल स्विमिंग पूल इंडोर गेम सहित आधुनिक क्लब हाउस आपके आधुनिक लाइफस्टाइल के लिए शॉपिंग एंड एंटरटेनमेंट के लिए नेशनल और इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी बांदा जनपद के बबेरू तहसील में वन विभाग की तरफ से वन महोत्सव के मौके पर हजारों पौधों का रोपण किया गया। बबेरू तहसील क्षेत्र के बांदा रोड आहार और देवरथा गांव के बीच आज वृक्षारोपण किया गया। उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी 25 करोड़ महाअभियान वृक्षारोपण के तहत वन विभाग रेंज के द्वारा बबेरू बांदा मार्ग में करीब 53,750 वृक्ष लगाए गए, जिसमें वन विभाग स्थल में कुल 6,250 पौधे लगाए गए। तो वहीं बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक राम नरेश पटेल की अगुवाई में अस्पताल परिसर में भी सैकड़ों वृक्षों का रोपण किया गया। बबेरू क्षेत्रीय वन अधिकारी राजेश कुमार गुप्ता ने बताया कि प्रभागीय वन अधिकारी संजय अग्रवाल एवं उप प्रभागीय वन अधिकारी MP गौतम के आह्वान पर आज वन महोत्सव कार्यक्रम निर्धारित किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बबेरू विधायक चंद्रपाल कुशवाहा ने पीपल का पेड़ लगाकर शुभारंभ किया। इस मौके पर बबेरू उपजिलाधिकारी महेंद्र प्रताप पुलिस क्षेत्राधिकारी राजीव प्रताप सिंह ने भी पौधारोपण किया। इस मौके पर वन विभाग व राजस्व कर्मचारी रामकरण अब्दुल शाहिद संजय कुमार आदि लोगों ने उपस्थित होकर सहभागिता निभाई। तब अभी आपके द्वारा यहां पर वृक्षारोपण कराया गया है, यहां पर कितना वृक्षारोपण हुआ, किसके निर्देशन पर किया गया? आज CSC बबेरू में 400 पौधे लगाए गए हैं जी। ये हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा के निर्देशानुसार पौधे लगाए गए। सर आज वन महोत्सव मनाया गया, क्या है मामला? जी आज ये वन महोत्सव का कार्यक्रम पूरे प्रदेश में रखा गया और हमारी तहसील में हमारे रेंजर साहब ने ग्राम आहार विकास में ये पूरा दुगरेली से लेकर के मोड़ तक जो है 6,250 पौधे लगा करके रोड की दोनों तरफ वन महोत्सव को ये साकार किए जाने का संकल्प लिया गया और यहाँ हम लोगों ने वृक्षारोपण किया है और इस यहाँ से लेकर के सारा दुगरेली तक रोड के दोनों तरफ 6,250 पौधे लगाए। सर आज वन महोत्सव मनाया गया, क्या है मामला? ये हर साल 1 से 7 जुलाई तक वन महोत्सव और वृक्ष लगाना बहुत आवश्यक तो है ही है। अगर वृक्ष नहीं लगाए जाते हैं इतना बढ़ता हुआ तापमान ये बहुत आने वाली घातक बीमारियों को पैदा करने वाला है। ये पर्यावरण बिल्कुल संतुलन बिगड़ता जा रहा है, इसलिए हमें और सभी लोगों से आग्रह करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगावें और पर्यावरण को साफ स्वच्छ बनावें। आज कुल कितने पौधे लगाए गए? ये 6,250 पौधों का आज रोपण हुआ है। ये कहाँ पर रखा गया कार्यक्रम? ये बांदा बबेरू मार्ग है, ये कौन सा पीछे वाला हुआ है आहार देवरथा मार्ग के बीच में हाँ 6,250 पौधे। बांदा से जीतू श्रीवास की रिपोर्ट। Education with moral values, the only institution with all latest facilities, computer lab, science lab, experienced teachers, air conditioned hostel with all facilities, the best educational institute in the area, the Gramodaya International College, Jhansi Road, Mauranipur.